हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि लुसेंट से हम राष्ट्रीय दिवस पढ़ रहे थे, स्टैटिक जीके को कवर कर रहे थे, ये सेकंड वीडियो है इम्पोर्टेंट डेज की। अगर फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। 29 तक हमने कर चुके थे, आज हम 30 से स्टार्ट करेंगे और 55 तक क्लोज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की डेट बतानी है, 15 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी। तो आप सोचिए और क्वेश्चन को, आंसर को टिक कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है 30 का सी। 24 जनवरी को हर साल हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? क्या है बाल दिवस? तो बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और किसकी याद में, किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पे। उसके बाद आता है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और SSC हर बार पूछता है, SSC मोस्टली पूछता है इस क्वेश्चन को। तो शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, एस राधा कृष्णन यानी कि स्वामी राधा कृष्णन या राजेंद्र प्रसाद। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस राधा कृष्णन। और शिक्षक दिवस कब मनाते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए। उसके बाद 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? एक राष्ट्रीय अवकाश कौन सा नहीं है इनमें से? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 25 दिसंबर। ये बहुत ही इजी है, 33 का ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता, क्योंकि 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अलावा किस भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है। तो 34 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री की जो जन्मतिथि है वो भी 2 अक्टूबर है। उसके बाद 35 है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 35 का आपका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद 36 का जो आंसर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर्स दिवस के रूप में निम्न में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 36 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद रॉय। जी हाँ, डॉक्टर विधान चंद रॉय का जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद एक मिलान, मैच द फॉलोइंग करने हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। शहीद दिवस 30 जनवरी को आता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को आता है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को आता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को आता है। इनमें से कोई एक गलत है और वो है आपका 37 का आंसर डी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता। आप पता करें और उसके बाद उसको कमेंट करें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर वही हमें मैच देखना है कौन सा गलत हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 30 जनवरी तो शहीद दिवस होता है, तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी को गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब हमें सुमेलित करना है कि इनमें से आंसर कौन सा सही है। 39,
तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, ये सही है। पहला ए का बन जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को ही मनाया जाता है, 19 नवंबर को। इतना सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी में से कोई एक आंसर है। उसके बाद हम देखें राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस अगर आपको याद हो, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को। तो यहाँ पर इसका मैच हो जाएगा सी का 4। तो सी का 4 हम देखें तो इसमें से किस में है? बी वाले में। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा 12 जनवरी को। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, चिकित्सक दिवस और किसान दिवस। तो 40वां हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो हम आंसर देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन देख लेते हैं कि उसमें शुरुआत में 2 आएगा फिर 1 आएगा। तो शुरुआत में 2 किस में आ रहा है और 1 किस में आ रहा है? बी में और ऑप्शन डी में। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो चुका है और डी और सी ऑप्शन गलत हो चुका है। तो बी और डी में से कोई एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं उसके बाद चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस हम जानते हैं 1 जुलाई को मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी, 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली आंसर देना है आपको तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किससे संबंधित है? तो जो बहुत इजी है, ध्यानचंद से संबंधित है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 पे चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 47, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 47 आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? 48 का आपका आंसर हो जाएगा 31 मई। जी हाँ, 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस या निरोध दिवस मनाया जाता है। अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 50, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भाई 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बाल अधिकार दिवस बहुत इजी है, 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा, लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। नेक्स्ट है 53, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा कि रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, बिहार को रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 55, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, और पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइज़।